नमस्कार जी। नमस्कार सब किसी को, मैं बढ़िया हूँ और सब किसी को मेरा प्रणाम। दूल्हा पार्ट टू की शूटिंग चली है, बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? सर एक अलग ही अवतार में दिखने वाला हूँ। आदर्श जैन सर के डायरेक्शन में ये फिल्म है और असलम भाई प्रोड्यूसर हैं और काफ़ी अच्छी फिल्म बन रही है। काफ़ी एक अलग मसाला, फर्स्ट टाइम मैं मेरे ऑडियंस को फुल लव कॉमेडी करते दिखूंगा और पूरा मसाला है फिल्म में। और हमारे इंडस्ट्री के पूरे दिग्गज कलाकार लोग हैं जैसे? जिनके साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला, जिसमें अवधेश मिश्रा जी, के गोस्वामी, नीरज यादव जी, मथु भैया, तनुश्री, अनूप जलोटा जी ने भी एक गेस्ट अपीयरेंस किया। तो एक एक कलाकार, अनारा गुप्ता जी का आइटम है, एक एक कलाकार अपने आप में शानदार और जानदार हैं और काम करके काफ़ी मज़ा आया। काफ़ी अच्छी फिल्म बनी है, काफ़ी फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। मतलब एक एक सीन, एक के बाद एक सीन ऑडियंस देखेगी तो पेट पकड़ के हंसेगी। तो किस हीरोइन के साथ फिल्म में रोमांस करते हैं? फिल्म में दो दो हीरोइन हैं, तनुश्री जी हैं और प्रीति मौर्या जी हैं, और एक लव ट्रेंगल जैसा कुछ इसमें है कॉमेडी का तड़का पूरा। तो मेरी ऑडियंस को दोनों लोगों के साथ रोमांस मिलेगा देखने को, एक अलग अंदाज। दो हीरोइनों को कैसे संभाल पाते हैं आप? ये एक्चुअली जो हुनर है ये हमारे डायरेक्टर साहब का हुनर है, जो राइटर भी है, तो वहीं लिखते हैं कि कैसे संभालना है हर सीन के बाद, अगली सीन में क्या ट्विस्ट आने वाला है और किस तरीके से संभालना है, ये उनके मास्टर माइंड का जो ये प्लान होता है। सेम चीज़ अगर रियल लाइफ में हो जाए तो फिर क्या करेंगे? सर ऊपर वाले की मेहरबानी, जो ऊपर वाले कराएंगे फिर छोड़ देंगे, जैसे होते है चलता जाएगा, जो फिल्मों में हो रहा है फिर वैसे रियल में होगा। आदर्श जी फिल्म के डायरेक्टर हैं, कैसा रहा उनके साथ काम करके अनुभव आपका? और बड़ा अच्छा अनुभव है सर के साथ। सर के साथ मैंने एक और फिल्म किया और वो भी पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है और ये दूल्हा में कर रहा हूँ। एक अलग ही एक्सपीरियंस है, मुझे एक अलग तजुर्बा मिला सर के साथ काम करके। सबसे बड़ी खासियत ये, मैं बाकी सर जब आते हैं सेट पे तो सेट, लोकेशन, कॉस्ट्यूम, क्या शूट करना है इनके माइंड में होता है, पर बाकी सारी चीज़ें ये देखकर उस हिसाब से डेवलप करते हैं और एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही एनर्जी लेवल के साथ शूट करते हैं। काफ़ी कंफर्ट जोन में, एकदम बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, वैसे काम कराते हैं और प्यार से भी, डांट के भी, मज़ा आता है काम करके। साल 2021 में क्या कुछ खास होने वाला है आदित्य मोहन के लिए? साल 2021 तो खास है ही है सर, काफ़ी सारी फिल्में हमारे दर्शकों के लिए आने वाली हैं, जिसमें अभी तकरार आने वाला है, परिवार के बाबू है, दरदिया बालम है, काफ़ी सारी फिल्में हैं। अभी लास्ट ईयर मेरी एक शॉर्ट फिल्म जिसके डायरेक्टर शिशिर मिश्रा जीते बेस्ट पोस्टर का अवार्ड मिला, दुबई फेस्टिवल में नॉमिनीज हुई है। तो काफ़ी सारी दूल्हा हैं, काफ़ी सारी फिल्में हमारे ऑडियंस को आने वाली हैं, जो काफ़ी मज़ा आएगा देख के। फिल्म में खलनायक की भूमिका अवधेश जी कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर हमारी फिल्म में कोई खलनायक नहीं है, ये फुल लव कॉमेडी फिल्म है, इसमें हर किरदार अपने आप में हीरो है। अच्छा। और हर किरदार अपने आप में खलनायक है। जैसे आपने बोला कि दो हीरोइन, तो एक हीरो अगर दो हीरोइन से रोमांस करता है तो उसके अंदर एक हीरोपन भी होता है तो एक खलनायक भी होता है। वैसे अवधेश भैया का जो कैरेक्टर है, नीरज यादव जी हैं, के भैया हैं, जो लोग हैं, हर लोग अपने आप में खलनायक भी और हीरो भी, फुल ऑफ मसाला फिल्म है। पप्पू यादव जी हैं, मटरू भैया हैं, सब लोग हैं, तो हर किरदार अपने आप में एक अलग ही किरदार, एक अलग ही फिल्म देखने को आपको मिलने वाला है। के जी का किस तरह का किरदार है फिल्म में, और के गोस्वामी जी का किस तरह किरदार है और क्या कुछ आपका उनके साथ कम्युनिकेशन है? सर के गोस्वामी भैया ने तो काफ़ी किरदार किया है, पर मैं रिकॉर्ड बोलता हूँ कि ऐसा किरदार उन्होंने नहीं किया होगा। हर सीन अपने आप में कॉमेडी है और मैं इस किरदार को डेवलप के पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है, उनसे तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, रियल लाइफ में भी और रियल लाइफ में भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है उनसे। गुरु मानिए एक तरीके के हैं वो हम लोगों के। जब ये हम और आदर्श सर कहीं जा रहे थे तो ये जो कैरेक्टर जब डेवलप हुआ था ना, फर्स्ट टाइम आप इंडियन हिस्ट्री में देखोगे कि किसी नौकर का नौकर, ये कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जैसे मैं बताया कि हर किरदार अपने आप में हीरो है, हर किरदार अपने आप में एक फुल ऑफ एंटरटेनिंग फिल्म है, तो ये पहली बार आपको किसी फिल्म में नौकर का नौकर देखने को मिलेगा। तो के भैया का जो काम है वो शानदार है सर, मतलब मानिए तो के भैया ही फिल्म के हीरो हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए।